हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 सुपर हीरो बेस्ट वेब सीरीज के बारे में और ये सभी की सभी वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हमारी फर्स्ट वेब सीरीज द बॉयज, ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई 2019 में और इस वेब सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 60 मिनट्स का है। इस शो में डीसी यूनिवर्स के बहुत सारे सुपर हीरो देखने में मिल जाएंगे। हमने आज तक मूवीज और वेब सीरीज में यही देखा कि सुपर हीरो अच्छे होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। इस वेब सीरीज में सुपर हीरो की डार्क साइड दिखाई गई है कि एक्चुअल में सुपर हीरो अगर सुपर हीरो के अलावा सुपर विलन बन जाए तो क्या होगा, यानी कि इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मतलब साफ है कि सुपर हीरो अपनी मर्जी से लोगों को बचा जाते भी हैं और अपनी ही मर्जी से लोगों को मरने के लिए छोड़ भी देते हैं। ऐसा ही कुछ ये सुपर हीरो भी करते हैं, खास करके इस ग्रुप का लीडर होमलैंडर। ये वेब सीरीज ऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है और बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को रेटिंग मिली 8.7/IMDb से। दोस्तों, हमारी सेकंड वेब सीरीज सुपर गर्ल, ये वेब सीरीज आई 2015 में और ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के 5 सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 43 मिनट्स का है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी शुरू होती है क्रिप्टोन नाम के प्लैनेट से, जो कि पूरी तरह से तबाह होने के कगार पे होता है। इसलिए जोरेल ने अपने बेटे कारल यानी कि सुपरमैन को अर्थ पे भेज देता है, जिसके तुरंत बाद जोरेल के बड़े भाई अपनी डॉटर कारा यानी कि सुपर गर्ल को कारल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। सिर्फ ऑफकोर्स चला गया और फैंटम जोन में फंस गया, जहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता है। 24 साल के बाद सिर्फ एक्टिवेट होता है और धरती पे आ जाता है, जहाँ पे सुपरमैन बड़ा हो चुका होता है। सुपरमैन को कारा मिलती है और सुपरमैन कारा को कहता है कि अपनी आइडेंटिटी लोगों के बीच रिवील ना करे। अब कारा यानी कि सुपर गर्ल धरती पे आ चुकी थी, वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करती है और वो अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल कर पाती या नहीं कर पाती, ये आप सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग मिली 8.6/IMDb से। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज डेयर डेविल, ये वेब सीरीज आई 2015 में। इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 54 मिनट्स का है। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है मैट मर्डक नाम के एक लड़के से। मैट के बचपन में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, पर एक्सीडेंट में मैट की आंखों में केमिकल गिरने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, पर उसकी दूसरी सेंसेस ज्यादा काम करने लगती है, जिसकी वजह से वो सुपर हीरो बन जाता है। मैट के बड़े होने के बाद वो एक क्रिमिनल लॉयर बनता है। दिन में तो ये सब काम करता है, पर रात होने के बाद वो विलन्स को सबक सिखाने के लिए वो डेयर डेविल बनता है। मैट बिना आंखों के इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल। इस वेब सीरीज को रेटिंग मिली 8.6/IMDb से। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज द फ्लैश, ये सीरीज आई 2014 में और उसके 6 सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 43 मिनट्स का है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी शुरू होती है बैरी एलन नाम के एक लड़के से। बैरी के बचपन में उसकी माँ को एक सुपर ह्यूमन मार देता है और इसके चार्जेस में बैरी के फादर को ही जेल हो जाती है। बैरी बड़ा होने के बाद फोरेंसिक एक्सपोर्ट बनता है, पर एक दिन बहुत बड़े साइंटिस्ट ने पर्टिकल एक्सट्रालेट को डेवलप कर लिया होता है, पर इसके ब्लास्ट से बैरी को बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचता है और बैरी सीधे कोमा में चला जाता है। बैरी के 6 मंथ के बाद हो जाने के बाद उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो बन जाता है सुपर हीरो। और बैरी अपनी सुपर पावर्स को कैसे यूज करता है और पार्टिकल एक्सट्रालेट के धमाके से बैरी के जैसे बहुत सारे सुपर ह्यूमन बन चुके होते हैं उनको बुराई करने से कैसे रोकता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको रेटिंग मिली 7.7/IMDb से। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज टाइटंस, ये वेब सीरीज आई 2018 में, इसके 2 सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 45 मिनट्स का है। ये वेब सीरीज बेस्ड है टीन टाइटंस नाम भी एक डीसी कार्टून के ऊपर। इस वेब सीरीज में टीन टाइटंस कार्टून की बैक स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि टीन टाइटंस को सुपर पावर्स कैसे मिलती है और ये टाइटंस अपनी सुपर पावर से सुपर विलन्स को कैसे हराते हैं, ये सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने में मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको रेटिंग मिला 7.7/IMDb से। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज मार्वल आयरन फिस्ट, ये वेब सीरीज आई 2017 से 2018। इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और इसका ईच एपिसोड 55 मिनट्स का है। ये वेब सीरीज बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स के ऊपर। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है डैनी रैंड नाम के एक लड़के से। डैनी बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ हिमालय घूमने जाता है, तब उनका प्लेन क्रैश हुआ और सभी के सभी मारे गए, पर डैनी बच जाता है। उसे वहाँ पे मॉक्स मिलते हैं जो कि उसे एक सीक्रेट सिटी ले जाते हैं, जिसका नाम होता है कुंटलान, जहाँ जाने का रास्ता हर 15 सालों में बस एक बार ही खुलता है। 15 सालों के बाद डैनी न्यूयॉर्क सिटी अपने घर आता है, वहाँ में सब कुछ बदल चुका होता है। 15 सालों के बाद डैनी वहाँ पे आके कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव करता है और असल में उसके पेरेंट्स के मरने के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी है। और डैनी गोंडलैंड में 15 साल मॉन्क्स के साथ बहुत ही खतरनाक तरह से मार्शल आर्ट सीख के आया होता है। डैनी नॉर्मल लोगों के साथ कैसे रहता है और कैसे सर्वाइव करता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसका रेटिंग मिली 6.5/IMDb से। हमारी लास्ट वेब सीरीज है ब्लैक लाइटनिंग, ये सीरीज आई 2018 में, उसके 4 सीजन आ चुके हैं और इसका ईच एपिसोड 43 मिनट्स का है। ब्लैक लाइटनिंग एक ब्लैक
सुपर हीरो है और ये एक डीसी का फर्स्ट ब्लैक सुपर हीरो। इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखना मिल जाएगा कि कैसे एक अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो वाला सूट बनाता है और बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोकता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल के हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसका रेटिंग मिलेगा 6.1/10 से। सो हे गाइस, तो ये थी टॉप 7 सुपर हीरो बेस्ट वेब सीरीज जो कि आपको जरूर भी मिस नहीं करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।